हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ में आपका एंड समाकलन में निश्चित समाकलन के बारे में, जो आपके मैथ के एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आइए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो निश्चित समाकलन में कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज तो होती कई सारी निश्चित समाकलन में, लेकिन जो आपको एग्जाम में बार बार करके पूछी जाती है, हम उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज देखने के बाद में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन। ये आपका अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। तो ये लोअर लिमिट, वो अपर लिमिट। तो एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और एफ टी डी टी, ये हो जाए इसका इंटीग्रेशन। फिर दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो, तो आप मीन अपर लिमिट आपकी ए होगी और लोअर लिमिट जीरो होगी। एफ एक्स डी इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ए हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारी ये प्रॉपर्टीज हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज है, ये अक्सर करके बार बार करके पूछी ही जाती है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, मैंने दो क्वेश्चन दे रखा है तो मैं दो क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी से, और देखते हैं कि अगर और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई फोर, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको लिखेंगे माना करके। तो लिखेंगे सबसे पहले तो यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे माना, माना देखिए माना मैंने मान लिया, तो माना अब इसको मान लेंगे, माना i बराबर ये मान लेंगे जीरो टू a साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमने मान लिया है। तो मैंने मान लिया माना i बराबर इंटीग्रेशन और जीरो टू a साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम मानेंगे समीकरण एक, ये मैंने समीकरण एक मान लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब इसमें हमको प्रॉपर्टी कौन सी लगाना, देखिए इसमें हम कैसे जानेंगे कि प्रॉपर्टी चार लगेगी। तो यहाँ देखिए आप इंटीग्रेशन सिंबल है, इंटीग्रेशन यहाँ देखिए जीरो लिखा है और प्रॉपर्टी दूसरे में जाइए, प्रॉपर्टी दूसरे में लिखिए यहाँ जीरो लिखा है, जहां जीरो लिखा है ना, जहां कहीं भी अगर आपको इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन जीरो मिल रहा है वहां पर आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगाना है, दूसरी प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रगुण दो से। तो ये मैंने लिखा प्रगुण दो से। अब दो प्रगुण आपको याद होने चाहिए, बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो आपको ये याद होने चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे प्रगुण दो से इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ जीरो टू ए मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा जीरो टू, सॉरी यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखिए अब यहाँ लिखा एफ, लिखा एफ को मैंने साइन स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाइए, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे से, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर और यहाँ मैंने ब्रैकेट। अब ए आपका क्या है, ए आपका अपर लिमिट है, होता अपर लिमिट क्या है आपकी पाई बाई टू है, तो अपर लिमिट आपका ए हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स आपने दिया है, तो एक्स हम लिखेंगे एक्स, ये हो जाएगा, और फिर क्या लिखा है डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका जब हम लिखेंगे जीरो से पाई बाई टू, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा साइन 90 वर्स, क्या हम पाई बाई टू को 90 ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाई का मान कितना 180 और 180 की तो दो से हम भाग करते हैं 90 होता है, तो 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है भाई, साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन के लिए क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और भाई 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया और इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स, और ये आपको हो जाएगा डी एक्स। समीकरण इसको हम मानेंगे दो, ये मैंने मान लिया, मैंने इतना लिखकर सॉल्व किया, ये समझ आया होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को हम जोड़ देंगे, सीधे लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जब जोड़ेंगे तो देखिए हमारा दोनों में देखिए क्या है, समीकरण एक और दो में कॉमन क्या है, हमारा जो इंटीग्रेशन है
वो कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हमारा क्या है दोनों में डी एक्स है, फिर हमारा ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, आपने सब संख्या पढ़ी हुई क्लास टेंथ में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू वन डी एक्स, वन डी एक्स, ये हो गया। तो आपने दोस्तों अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारा वन का जो इंटीग्रेशन होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यही लिख देते हैं हम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और ये हमारा वन डी एक्स क्या होता है एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना दोस्तों, एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हाँ एक्स हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लाना क्या है, तो हमने क्या माना था दोस्तों, एक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आई माना था, आई एक आपका ये हो जाएगा, और प्रगुण आपका जो चल रहा था हमने इसको आई माना था, वो आई चलता रहेगा, तो यहाँ से भी आपका आई आएगा, यहाँ भी आपका आई हो जाएगा, और जब हम आई मीन समीकरण एक को मैंने आई माना था, इसको सॉल्व की तो आपका ये आया, तो एक आई ये हो गया, और दूसरा कॉस वाला भी तो आई होगा ये, तो आई और आई को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा टू आई, हमारा ये हो जाएगा। अब हम एक्स की जगह पाई बाई टू मीन लिमिट को रख देंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ जब रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा टू आई बराबर पाई बाई टू माइनस जीरो, क्योंकि मैंने एक्स की जगह पहले अपर लिमिट को रखा, जब एक्स की जगह अपर लिमिट को रखेंगे तो हमारा होगा पाई बाई टू, फिर माइनस अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना फार्मूला, तो ये होगा अपर लिमिट आपका पाई बाई टू हो जाएगा माइनस, और लोअर लिमिट क्या है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब पाई बाई टू से माइनस जीरो करेंगे क्या आएगा हमारा नाइनटी तो आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई टू, देखिए ये आपका टू यहाँ से उठकर यहाँ जब आएगा तो टू टू से कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर फोर लिख दिया, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, आई बराबर, आई बराबर सॉरी हाँ आई बराबर पाई बाई फोर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने पिछले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू टू वन, ये आप मीन पाई बाई टू और जीरो हो जाएगा, फिर अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बराबर पाई बाई फोर। देखिए यहाँ भी आपको जीरो मिल रहा है, जिसके लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट भी क्या दिया गया जीरो, मीन्स आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगाना है, दूसरी प्रॉपर्टी, और उसी तरह हम सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हम इसको क्या जैसे उस वाले क्वेश्चन में माने थे माना, वैसे इसको भी लिखेंगे माना, माना आई बराबर आपका ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा, और ये होगा अंडर रूट साइन एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये आपको चलेगा डी एक्स। ये मैंने मान लिया, हमको इसमें देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो है लोअर लिमिट में, तो हमको यहाँ जीरो है, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी दूसरी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी प्रगुण 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 दो से। आप एग्जाम में ये प्रॉपर्टी लिखेंगे क्योंकि वहां बार बार नहीं आता है, तो आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, तब ये लिखोगे आप, प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे तो उसका एक अलग रिएक्शन हो जाएगा। तो प्रगुण दो से मुझे लग रहा है, तो हम इसे बता रहे हैं इसको, तो आपका ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, फिर क्या देखिए एफ है, एफ का मान मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन प्रगुण दो से है ना दोस्तों, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी तो प्रगुण दो से, अब मैं इसको यहाँ जीरो टू पाई बाई टू ऐसे लिखता हूँ है ना दोस्तों, अब यह ठीक आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे अंडर रूट साइन, उसके बाद देखिए ए माइनस में क्योंकि सब में लगाना है ना जहाँ जहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा
पाई बाई टू माइनस एक्स, ये आपको हो जाएगा अपॉन, ये आपका है अंडर रूट साइन, यहां दोस्तों हम क्या लिखेंगे आपका हो जाए, ये आपका आई चलता रहेगा आई बराबर, और ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया। प्लस कॉस में आते हैं, कॉस हमारा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ये दोस्तों आपका इतना हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए आगे क्या आएगा हमारा आई बराबर, ये हमारा हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। देखिए यहां अंडर रूट साइन, यहां 90, भाई पाई बाई टू है, पाई बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं 90, अभी मैंने बताया था, तो 90 माइनस एक्स मीन साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर नहीं लगा तो हमारा ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, है ना दोस्तों, और यहाँ हमारा अभी साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट, अब यहाँ देखिए ऑलरेडी कॉस है, कॉस 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो हमारा ये हो जाता है साइन एक्स डी एक्स। ये दोस्तों हमारा हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण दो, समीकरण दो और इसको मान लीजिए समीकरण एक, तो हमारा देखिए मैंने इतना मैंने लिखा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया था, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो हो गया इतना हो गया। अब समीकरण क्या करेंगे, जैसे उसमें किए थे समीकरण एक और समीकरण दो को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो देखेंगे समीकरण 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 एक व दो को, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे समीकरण एक व दो को जब जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण हमारा एक ये दूसरा ये, तो समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, इस आई और आई को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टू आई, तो ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू दोनों गए तो हम लिखेंगे जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है समीकरण एक में अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा। और नीचे देखिए नीचे पर क्या अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ भी तो दोनों में हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो एक बार नोट कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। तो दोस्तों ये हमने समीकरण एक और समीकरण दो को जब जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब हम देखिए दोनों में ऊपर नीचे दोनों में बराबर है तो हम दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आएगा वो होगा टू आई बराबर, टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू, ये जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा वन, तो यहाँ हो जाएगा वन डी एक्स, ये बचा। और वन का जब इंटीग्रेशन क्या करते हैं दोस्तों कितना आता है हमारा हो जाता है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टू आई बराबर एक्स। अब यहाँ x के ऊपर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा पाई बाई टू और ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ हमको x की जगह अप्लाई कर देना है तो टू आई बराबर ये हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस जीरो, तो पाई बाई टू से जीरो करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई टू ही तो आएगा, तो i बराबर पाई बाई टू, तो i बराबर, तो दोस्तों मैंने जैसा कि पिछले में बताया था कि ये वाला टू मल्टीप्लाई से करेगा तो पाई बाई फोर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर पाई बाई फोर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, देखिए हमें यही प्रूव करना था सो मैंने प्रूव कर दिया, देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आप अच्छे से समझाएंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होमवर्क दे देता हूं और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो इनसे बड़े वाले नंबर में आते हैं 6 नंबर में 7 नंबर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकें। तो दोस्तों आपने पिछले वाले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम चलते हैं कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग में हर बार पूछे ही जाते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका निश्चित समाकलन से आपके क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए मैंने इसका बता दिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है पाई टू जीरो या जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन फोर, देखिए यहाँ भी जीरो है प्रॉपर्टी आपकी वही लगेगी, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीरो टू वन
log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 log 1/2। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग 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 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो जाएगा, उसके बाद 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 8, पाई बाई 8 हो जाएगा log 2। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।